इट्स नाइस टू मीट यू अगेन। मैं हूँ डॉक्टर वंशिका सक्सेना और आज की हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक फीमेल प्रॉब्लम के बारे में। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ नबोदियन सिस्ट के बारे में, जो सर्विक्स पर म्यूकस से भरे छोटे छोटे छाले या फिर गांठ के रूप में हो जाते हैं, जो किसी किसी को एक भी हो सकता है और किसी किसी को एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसा कि मैं एक फीमेल डॉक्टर हूँ तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो नबोदियन सिस्ट से सफ़र कर रहे होते हैं, जिनको नबोदियन सिस्ट की प्रॉब्लम होती है। तो वो लोग बहुत ज़्यादा इस नबोदियन सिस्ट को लेके बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि ये क्या है, क्या सर्विक्स कैंसर का तो ये कोई साइन नहीं है, क्या ऑपरेशन करवाना पड़ेगा या फिर सिर्फ दवाइयों से ही ये ठीक हो जाएगा, क्या मैं इसी की वजह से प्रेग्नेंट हो पा रही हूँ या नहीं हो पा रही हूँ, हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे प्रेग्नेंट। ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जो मेरे पेशेंट के मन में होते हैं, जो वो लोग मुझसे पूछते हैं। एंड आई एम श्योर आप लोगों के मन में भी इस टाइप के कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर होंगे। तो आज के हम इस वीडियो में आपके इन सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं। सो सबसे पहले आप ये फोटो देखिए, इसमें यूट्रस दिख रहा है आपको। तो यूट्रस मतलब क्या होता है? यूट्रस मतलब होता है बच्चेदानी, और जो बच्चेदानी का मुंह होता है, मतलब यूट्रस का जो मुंह होता है, उसे हम कहते हैं सर्विक्स, जिसे हम आम भाषा में बच्चेदानी का मुंह कहते हैं। ये एक ट्यूब नुमा होती है, मतलब कि ट्यूब के आकार की होती है, कुछ इस तरह की, इस टाइप से होती है ट्यूब नुमा। तो इसके जो अंदर के सेल्स होते हैं वो अलग होते हैं, और जिसके बाहर के सेल्स होते हैं वो अलग होते हैं, जिसे हम समझने के लिए स्किन बोल सकते हैं। तो जो सर्विक्स के बाहर की स्किन होती है, जो वजाइना में शो होती है, वजाइना में दिखती है, वो एयर के कांटेक्ट में होने की वजह से ड्राई रहती है, उसमें से कुछ भी सिक्रेट नहीं होता। लेकिन सर्विक्स के जो अंदर की स्किन होती है उसमें ग्लैंड्स होते हैं जो सिक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से वो एरिया वेट रहता है। फीमेल्स में जो भी डिस्चार्ज आता है, जिसे हम सर्वाइकल डिस्चार्ज या फिर वजाइनल डिस्चार्ज कहते हैं, वो सारे ही म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स सिक्रेट करते हैं, मतलब सर्विक्स के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं वो सिक्रेट करते हैं म्यूकस, और जिसे हम नबोदियन ग्लैंड्स कहते हैं, जो म्यूकस को रिलीज करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जो सर्विक्स के अंदर वाले स्किन सेल्स हैं वो सर्विक्स के बाहर आके, जो सर्विक्स के बाहर के जो स्किन सेल्स हैं उनको कवर करके, जो ग्लैंड्स होते हैं जो म्यूकस रिलीज करते हैं उनको भी कवर कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो ग्लैंड्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और म्यूकस को रिलीज नहीं कर पाते। बट म्यूकस तो बनता रहता है, बस रिलीज नहीं हो पाता, मतलब कि बाहर बह नहीं पाता। तो ऐसे में क्या होता है, जो ब्लॉक ग्लैंड्स होती हैं उनमें म्यूकस भरता रहता है और ये एक रूप ले लेती हैं सिस्ट का, मतलब कि गांठ का, जिसे हम नबोदियन सिस्ट कहते हैं, क्योंकि ये जो ग्लैंड्स होते हैं वो नबोदियन ग्लैंड्स होते हैं जो म्यूकस रिलीज करते हैं, और नबोदियन ग्लैंड्स को जब वो ब्लॉक हो जाते हैं उन्हीं की वजह से ये सिस्ट निकलते हैं। तो जब नबोदियन ग्लैंड्स ब्लॉक हो गए उनकी वजह से सिस्ट निकला, तो इस सिस्ट का नाम हमने रख दिया नबोदियन सिस्ट। और इसके कोई भी सिम्टम्स नहीं है, लेकिन अगर हाँ आपको बड़े साइज का नबोदियन सिस्ट हुआ है तो इसकी वजह से आपको हल्का फुल्का पेल्विक में पेन हो सकता है, मतलब कि जो लोअर एब्डोमेन वाला एरिया होता है वहाँ पर पेन हो सकता है, या फिर वजाइना में थोड़ा सा हैवी फील हो सकता है। बट अगर आपको छोटे साइज का नबोदियन सिस्ट की प्रॉब्लम है तो इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में 5 mm से ज़्यादा के सिस्ट नहीं देखे गए हैं अभी तक। अब ये आपको होता कब कब है ये भी जान लेते हैं। तो ये आपको प्रेगनेंसी में हो सकता है, कोई अगर आपको सर्वाइकल या फिर वजाइनल इन्फेक्शन हुआ है तब हो सकता है, या फिर अगर आप कोई हार्मोनल ट्रीटमेंट ले रहे हो तब हो सकता है, या फिर आफ्टर डिलीवरी भी ऐसा होना बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब डिलीवरी होती है और बेबी बाहर आता है तो जो सर्विक्स का मुँह होता है वो 10 cm तक खुल जाता है, और आफ्टर डिलीवरी जो सर्विक्स होता है उसकी हीलिंग होती है हल्की हल्की, और जो न्यू टिश्यूज़ होते हैं वो ग्रो करते हैं, न्यू टिश्यूज़ बनते हैं, मतलब कि जो स्किन सेल्स होते हैं वो न्यू बनते हैं, जिनकी वजह से नबोदियन ग्लैंड्स ब्लॉक हो सकते हैं जो सिस्ट का रूप ले सकते हैं। तो इनसे आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इनसे। बस ये इंडिकेट करते हैं कि शायद आपको पहले कभी इन्फेक्शन हुआ होगा सर्वाइकल या फिर वेजाइनल, या फिर कोई पुराना इन्फेक्शन अभी तक चलता हुआ आ रहा होगा जिसकी वजह से ये हो रहे होंगे, या फिर चाइल्ड बर्थ की वजह से ये हुआ होगा। और इसका एज सच कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है, जैसे ये खुद ब खुद निकलते हैं वैसे ही खुद ब खुद ये ठीक भी हो जाते हैं। इनसे प्रेगनेंसी भी इफेक्ट नहीं करती, नहीं होती, और ये कैंसरस भी नहीं होते हैं। तो बेसिकली इनसे आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
बट हाँ, इतना आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर सिस्ट साइज में बड़ा है और आपको इनसे कोई दिक्कत हो रही है, जैसे कि पेन हो रहा है या फिर किसी भी तरह का डिस्चार्ज हो रहा है लाइक येलो कलर का या फिर किसी भी तरह का डिस्चार्ज हो रहा है, तो आप अपनी गायनी को ज़रूर दिखाइएगा। गायनी आपका फिजिकल एग्जामिन करेगी और उसको ज़रूरत लगेगी एग्जामिन के बाद, तो वो एक टूल होता है उसको वजाइना में डालकर वो जो नबोदियन सिस्ट है उनको पंचर करके उसके अंदर का जो म्यूकस है उसको निकाल दिया जाता है, जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। इससे कोई भी दर्द नहीं होता, कुछ नहीं होता। इसको हम सर्जरी नहीं कहेंगे, ऑपरेशन नहीं कहेंगे, ये एक बहुत छोटा सा प्रोसीजर होता है। जैसे कि कोई भी अगर हमारी बॉडी पे छाला निकल जाता है तो हम उसको फोड़ कर किसी भी पिन से, टूथपिक से, किसी भी चीज़ से फोड़ कर या फिर ब्लेड से कट लगा कर उसके अंदर का हम जो पानी है वो निकाल देते हैं, पस जो है वो निकाल देते हैं, सेम वैसा ही ये एक प्रोसीजर होता है। तो इससे आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ, मस्ट है शेयर करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा जिससे कि मेरी आने वाली जो भी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन होगी वो आपको सबसे पहले मिल सकेगी। तो अभी चलती हूँ मैं, फिर मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने का बहुत ख्याल रखें और बहुत खुश रखें। बाय बाय।